चलिए बात कर लेते हैं लखनऊ की। एक और बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पुलिस चौकी से अज्ञात वाहन टकराया है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर, जहां पर एक बार फिर से एक हादसा हुआ। मटियारी पुलिस चौकी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां देख सकते हैं कि इस हादसे के बाद किस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही है। चिन्हट थाना क्षेत्र के मटियारी चौकी की एक घटना बताई जा रही है, जहां पुलिस चौकी से अज्ञात वाहन अचानक से टकराया, और उसके बाद में पूरी तरीके से मटियारी पुलिस चौकी क्षतिग्रस्त हो गई है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक ये हादसा होगा। चलिए अब सीधे रुक लेते हैं, शादाब हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। शादाब, किस प्रकार से ये हादसा हुआ, और फिलहाल जो क्या अज्ञात वाहन है उसकी पहचान की जा चुकी है, और चालक को क्या पकड़ लिया गया है, और किस तरीके से ये हादसा हुआ उसके बारे में बताइए। देखिए आपको बता दें कि जो चनट चौराहे के पास जो ये बड़ा हादसा हुआ है, इसमें नो एंट्री रात में खुल जाती है, इसको लेकर जो भारी वाहन है वो निकलते हैं। हालांकि जो चौकी है वो वहीं पे ही बनी हुई है, मेन रोड पे किनारे साइड में, तो जिसको देखते हुए भारी वाहन निकल रहा था और लोडेड वाहन था, और उसके ब्रेक में दिक्कत आने की वजह से वो उसमें जाके टकरा जाती है। और जो हालांकि सबसे बड़ी बात ये रही कि चौकी के अंदर कोई भी उस टाइम मौजूद नहीं था, पुलिसकर्मी कोई ऐसा बंदा नहीं मौजूद था जिससे कोई बड़ा हादसा होता। लेकिन जिस तरह से ये टकराया है जाके उसमें, तो चौकी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो पुलिसकर्मी थे वो गश्त पे थे, जिसकी वजह से वो कोई ऐसा बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से ओवरलोडेड ये वहां पे क्षतिग्रस्त हो जाती है चौकी, तो ये एक बड़ा मामला सामने आया है, देर रात का मामला है ये। अभी फिलहाल जो ड्राइवर है वो मौके से फरार हो गया था, लेकिन जो पुलिस मौके पे पहुंचती है गाड़ी का नंबर लेके, अब उसकी जांच कर रही है कि ये कहां की गाड़ी थी और इसका ड्राइवर कौन था। जी, जब पुलिस प्रशासन से आपने पूछा होगा तो किस प्रकार की प्रतिक्रिया सामने आई है, क्या कुछ उन्होंने कहा कि कब तक ये चालक को पकड़ लिया जाएगा, और साथ ही क्या किसी की जनहानि की खबर भी यहाँ पर सामने आई है? बिल्कुल, देखिए जनहानि की तो अभी कोई बात सामने नहीं आई है, क्योंकि जब ये टकराता है चौकी से तो वहां पर कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद अंदर नहीं होता है, क्योंकि वो लोग गश्त कर रहे होते हैं। और साथ ही जो पुलिस का ये भी कहना है कि जो चालक है उसको जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा, लेकिन देर रात का मामला था और साथ ही कोहरा भी गिर रहा था, जिसके चलते ये जो हादसा हुआ है ये देखने को मिल रहा है। हालांकि जो पुलिस है उसका साफ तौर पर यही कहना है कि जल्द से जल्द जो चालक है उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी, वहीं जो ट्रक है उसको भी जो है थाने लिया गया है, अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल शादाब, और समझा जा सकता है कि ठंड का मौसम है और सुबह सुबह जब जिस प्रकार से कोहरा होता है तो कहीं ना कहीं जो विजिबिलिटी होती है वो काफी कम हो जाती है, और शायद ये भी एक बड़ा कारण माना जा सकता है हादसे का। मैं लौटूंगी आपके पास, आप हमारे साथ में बने रहिए। तो देखिए पुलिस चौकी से अज्ञात वाहन टकराया है, और साथ ही अब पुलिस प्रशासन की टीम जांच कर रही है, और ये शिनाख्त की जाएगी कि आखिर अज्ञात वाहन में जो चालक था वो कौन था, और उसकी पहचान करके आगे की कार्रवाई पुलिस प्रशासन की टीम के द्वारा की जाएगी।